क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो हर खबर का एक अपना मामला बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो अलायंस बनकर आया है वो इंडियन नोटोरियस डकैत्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम लोग इंडिया अलायंस कहते हैं, इनका एक से एक नया नया इनोवेशन है। मैं फिर से कहता हूं, इंडियन नोटोरियस डकैत्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम लोग इंडिया अलायंस कहते हैं, स्टार स्टडेड पर्सनैलिटी है इसमें देश के, इसको हल्के में मत लीजिएगा, हेडेड बाय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नेशनल हेराल्ड, सेकेंड फॉलोड बाय लालू यादव, तेजस्वी यादव, चारा तो आपने 20 साल पहले सुना था, उसके बाद IRCTC, मॉल स्कैम और पता नहीं क्या क्या, TMC, नारडा सारडा, पता नहीं खाने में डालडा, अब उसके बाद रिक्रूटमेंट स्कैम, ये सब स्टार चेहरे होते हैं ना, स्टार कैंपेनर्स, तो हमारे भी स्टार कैंपेनर्स हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके भी स्टार कैंपेनर्स हैं, एंड लास्ट और नॉट द लीस्ट DMK भी है मनी लॉन्ड्रिंग में, सनातन को नष्ट करने वाली पार्टी, एक से एक कैंपेनर है। उसके बाद हमारे इनोवेशन, करप्शन के इनोवेशन जिनको मैं कहता हूं, वो है हमारे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, लिकर स्कैम, बिजली स्कैम, जितने स्कैम कहिए, अभी उनके एक नए स्कैम और बताऊंगा। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक नया इंस्टीट्यूट खोला है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। एक्चुअली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, तो इनकी एक नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई है, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ करप्ट आइडियाज। मतलब इतने सारे करप्ट आइडियाज हैं, इतने सारे करप्ट आइडियाज हैं कि भाई एक खत्म करो दूसरा करप्ट निकल जाता है। आज दिल्ली में LG साहब ने ऑर्डर दिए हैं इंक्वायरी करने के लिए, DPSRU करके एक यूनिट है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसमें 2019 से प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और रीडर की बहाली में, स्कैम में भयानक अनियमितताएं पाई गई। योग्य उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार आ गए हैं। अब आप जरा सोचिए कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी है जो दवाई बनाती है, अगर इसमें मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो दवाइयां कौन खाएगा? हम आप खाएंगे, देश विदेश के गरीब लोग खाएंगे। और उस तरह की अपॉइंटमेंट के लिए LG ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए बोली है। हमारे इनोवा ऑफ करप्शन है अरविंद केजरीवाल, नए नए आइडियाज लाते हैं। जब सरकार में आए तो अपने लोगों को एक साथ 250 लोगों को, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख सैलरी देकर रख लिया, 1200 करोड़ का घोटाला वहां कर दिया। लिकर उकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 2-2 लोग जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, और झूठ मूठ का अपना इल्जाम ईडी पे लगाते रहे वो अलग बात है। डिस्कॉम कंपनी का घोटाला सबके सामने है ही। शीश महल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑफ द लिस्ट आप लोग को भी देख के लगता होगा कि 2 लाख का कमोड कैसा है। तो ऐसे ऐसे महान महान विभूति लोग हैं हमारे बीच में। अब दूसरी बात है, इनके एक और पार्टनर्स हैं राजस्थान एरिया। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जाके एक युवक पे जब ट्रैक्टर चला के उसकी हत्या कर दी जाती है परसों, तो उसमें आवाज नहीं निकलेगा। जब लगातार रेप होते रहेगा तो प्रियंका गांधी पे राजस्थान पे आवाज नहीं निकलेगा। आज राजस्थान की एक हालत है, वहां की भारत पत्रिका है, आप लोगों ने भी ये खबर देखी होगी, उसने ये खबर चलाई कि सरकार के पास न सैलरी देने का पेंशन है, न पेंशन का पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो ये पैसा गया कहां? तो चुनाव के मद्देनजर ये पैसा उन स्कीमों में डाला जा रहा है जिससे वोट बटोरे जा सके। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है मरीज के लिए, उसके लिए भी पैसे खत्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के आंकड़ों से उठा के वहां पे पत्रिका भास्कर सबने ये खबर चलाई है जो आज की प्रोमिनेंट खबर है। छत्तीसगढ़ देखिए, वहां भी इनोवेशन हुआ। चारा घोटाला से इनोवेशन करते करते अब गोबर घोटाला में चले गए, मतलब चारा से जो गोबर निकलेगा उसमें भी घोटाला। तो इनोवेशन आइडियाज हैं, इन लोग की तारीफ करनी चाहिए कि कहां कहां से आइडियाज लेके आते हैं। चावल घोटाला है ही, गोदान घोटाला हो ही गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार जुआ प्रमोट करे और उसमें 15,000 करोड़ का घोटाला करे, महादेव ऐप, ये भी अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई है वो करप्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें नए नए करप्शन के आइडियाज आते रहते हैं। कर्नाटका चलते हैं, फ्री बिजली का वादा था, बिजली भाग गई कहां पे? मनी, नो मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ये कहता है स्टेट का डिप्टी CM कि हमने जितने वादे किए हैं अगर उनको पूरा करेंगे तो हमारे पास राज्य के विकास के लिए पैसा नहीं है। MLA फंड जो मिलते थे वो MLA फंड नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे किसी को नहीं पता है। रैम्पेंट लोड शेडिंग, मतलब बिजली नहीं मिल रही है और फार्मर्स लोग जो खेत में काम करते थे उन्होंने
मगरमच्छ वगैरह पकड़े थे, क्रोकोडाइल पकड़े थे, उन्होंने छोड़ दिया उसको कि जब खेती नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये तो आराम से रहे। कंडक्टर्स, बस ड्राइवर्स, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, वहां ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, स्टेट ऑफ कैओस। कोई चुनाव तो नहीं है लेकिन स्टेट ऑफ कैओस है। कांग्रेस की सरकार ने वहां अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए देते थे, बीजेपी की सरकार थी तो 4,000 अपनी तरफ से मिला के देती थी। इसको हम लोग रायता निधि कहते थे वहां पे। इस योजना को भी बंद कर दिया गया है, यानी किसानों पे कुठाराघात। आज ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो बना है, इसका मुद्दा, इसका मोटो सिर्फ एक है, नए नए करप्शन के आइडियाज निकालो और जिस सरकार में भी रहो 5 साल उसको इतना चूस लो कि वो अगले 10 साल तक फिर खड़ी होने के लायक नहीं रहे। तो आपके माध्यम से देश की जनता को इन तीनों राज्यों की और देश की हालत पता लगनी चाहिए। और इसी तरह से इन मेंबरान के जहां जहां सरकार है, हम हर 2-3 दिन पे आपको ब्रीफिंग देते रहेंगे और वहां की सरकारों की स्थिति बताते रहेंगे, क्योंकि इनकी भूख, इनकी करप्शन की भूख, इनके पैसा खाने की भूख खत्म ही नहीं हो रही। कब खत्म होगी भगवान जाने। थैंक यू। अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए। देखिए, ये इनका चरित्र है। पहली बात कि कांग्रेस को चुनावी हिंदू कहने का बड़ा शौक लगा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो किस तरह के हिंदू हैं हम लोग को ही पता है। जहां तक रही सनातन को खत्म करने की बात, सनातन तो इनके चाहने से खत्म नहीं होगा। आज इनके गठबंधन के एक और अलायंस के आरजेडी के एमएलए ने बयान दे दिया, उसने दुर्गा माता पे ही सवाल उठा दिए। तो ये इस तरह से इनकी हिंदू विरोधी छवि रोज दिन सामने आती है। हमें बस ये चाहिए कि जनता इनकी बातों को सुने और समझे और देखे कि ये हिंदुस्तान को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। Well, I think this answer should be given by Lalu Yadav and Tejasvi Yadav first, because in RJD, all the Navratras are being performed in their house. Lalu Yadav सबसे बड़े पुजारी बनते हैं ना, नवरात्रा की पूजा करते हैं, उनके एमएलए ऐसे बोल रहे हैं कि माँ दुर्गा फिक्शियस हैं। ये उनके माइंडसेट दिखाती है कि किस माइंडसेट के हैं वो। और उसी तरह से कर्नाटका हो, चाहे आप डीएमके की बात करिए, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का एस्टैब्लिश हिस्सा है कि हिंदू धर्म को बदनाम करो, हिंदू धर्म को डिमीन करो, हिंदू धर्म में लोगों का विश्वास कम करो। ये एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी है जो अगले 10 साल तक चलने वाली है। ये जानबूझ कैसा कर रहे हैं, और इसमें इनका बस एक फायदा है कि हिंदू धर्म में लोगों की आस्था कमजोर करो, क्योंकि ये डर चुके हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो एक हिंदू धर्म की सेंटिमेंट पूरे देश में फैली है उससे इनको डर लगता है। क्या कहना है, इंडियन नोटोरियस डकैत एसोसिएशन ऑफ इंडिया अगर जेल से फोन नहीं करेगा तो कहां से करेगा, बाहर से करेगा। बाहर में उनको मनी नहीं लगता है, जेल में समानांतर सत्ता चलती थी इसलिए जेल से भी फोन करने की सुविधा है। अब तो ये सब चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि पेपर में छपा हुआ ओपन ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष लालू यादव बनवाते हैं, अद्भुत है। देखिए कितनी यूनिटी है आपस में लोग। पता नहीं, मतलब लगता है थोड़ा गुस्से में आ गए होंगे। कल ही उनके पुत्र के कंपनी से 1.25 करोड़ की सीधे ईडी ने की है, तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अब ये सब
चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और हार जैसे जैसे दिखेगी वैसे वैसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग होते रहेगा। करने दीजिए, जनता तय करेगी इसका। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको देख रही है और बकायदा हमने कतर सरकार के सामने भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है और इसको पूर्ण तरीके से लीगल बैटल हम लोग लड़ेंगे। ये हमें आश्चर्य भी है, हैरानी भी है, हम अचंभित भी हैं कि ऐसा भी होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और निश्चित तौर पर हम लोग उनको छुड़ा के लाने में कामयाब रहेंगे। मैंने बोला ना कि ये तो सोची समझी प्लान स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि कभी राम को मिथ बनाओ, कभी हिंदू को मिथ बनाओ, कभी हिंदू को कमजोर बनाओ, कभी सनातन को खत्म करने की कोशिश करो। ये सोची समझी प्लान स्ट्रेटजी का हिस्सा है और इससे देश का हिंदू आहत हो रहा है और इस देश का हिंदू ही इन लोगों को जवाब देगा, वही जवाब इनके समझ में आने वाला है।